प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार खंड के बाद मानस खंड के विकास को नई दिशा देने के लिए 12 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर धाम से करेंगे। प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आते हैं, उन्होंने उत्तराखंड को कुछ न कुछ सौगात के रूप में जरूर दिया है और इस बार भी उम्मीदें जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा के दौरान सीमांत जिले के पिथौरागढ़ और चमोली जिले को सौगात मिल सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सियासत भी अब तेज हो चली है, जहां एक ओर बीजेपी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साहित है तो वहीं कांग्रेस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तंज कस रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का मानना है कि प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आए हैं, हमें सौगात के रूप में कुछ न कुछ पीएम मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री के आने से कुमाऊं क्षेत्र का कायाकल्प आने वाले समय पर दिखेगा। तो वहीं कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी का कहना है कि प्रधानमंत्री पहले भी कई बार यहां आ चुके हैं, प्रधानमंत्री का जब भी यहां पर दौरा होता है स्वागत है। जनता जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड को इस बार क्या देकर जाने वाले हैं। इस बात क्या होगी, प्रधानमंत्री जी यहां आ रहे हैं, माने प्रधानमंत्री जी का आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो उसे उत्साह की दृष्टि से, उत्सव की दृष्टि से देख रहे हैं और उनका आना स्वाभाविक रूप से अनेकों चीजों को हमें इस सौगात के रूप में मिलती है, वो हमें मिलेगी ऐसी उम्मीद भी कर रहे हैं। अब आप देखिए जोशीमठ में जिस प्रकार से 1845 करोड़ रुपए हमें मिला, जिस प्रकार से G20 का हमें लगातार 3 बैठकें करने का मौका मिला, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण मिला। तो उम्मीद कर रहे हैं उनका आना, चूंकि इस बार हमारे यहाँ जो चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड टूटा है, पिछली बार 47 लाख कुछ हज़ार का था, अभी तक 48 लाख लोग अभी तक हमारे श्रद्धालु चारों धामों में आ चुके हैं। हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं उत्तराखंड में और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी कई बार उत्तराखंड आ गए। बात यह है कि प्रधानमंत्री देश के मुखिया जब राज्य में आते हैं तो राज्य की जनता चाहती है कि वो उत्तराखंड को कुछ दे के जाए, वो उत्तराखंड के बारे में कुछ बोल के जाए, उत्तराखंड के आम जन की जो समस्याएं हैं, जो उत्तराखंड का माहौल है, उस पर कुछ कह के जाए, सरकार को कस कर जाए। आज अंकिता हत्याकांड को 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया लेकिन VIP का नाम नहीं पता, मुजरिम छूटने को तैयार हैं, भर्ती घोटालों के लिए पूरा प्रदेश का युवा आम जनमानस CBI की मांग कर रहा था, सरकार नहीं कर रही है।